हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मटन के नरगिसी कोफ्ते, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और हर एक को पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम करीब, ये हमारा मटन है जो 200 ग्राम है, इसको हमने ग्राइंडर करके पहले से रख रखा है। लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट है, टमाटर कटे हुए, इसके लिए यह है अंडा, यह हमने करीब वन अंडा इसमें एग हमने यूज़ किया है। बेसन जो हम रोस्ट करके रखे हुए हैं, ये सरसों तेल है, वैसे आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं बट ये सरसों तेल में बहुत टेस्टी, मस्टर्ड ऑयल में ये टेस्टी बनता है। उसमें ये रोस्ट करी हुई धनिया पाउडर है, आप इसमें इसको यूज़ करने के लिए, और मैं बाउल बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे, और कटी हुई ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर कटा हुआ और ये कड़ी पत्ता, बाकी आप हल्दी, धनिया, मिर्चा और गरम मसाले, ये सब हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने इसमें ग्राइंड करा हुआ कीमा डाला, इसमें रोस्ट हुआ फिर बेसन हमने जो करके रखा है, कटी हुई प्याज, ग्रीन चिल्ली, कट करे हुए गार्लिक, जिंजर, अब इसके अंदर थोड़ा हाफ टी स्पून चिली पाउडर डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो। ये कोफ्ते हम बनाने रेडी कर रहे हैं अपने, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको सब एक साथ मिक्स करेंगे, तो ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे हम कोफ्ते अपने कोफ्ते के बॉल रेडी करेंगे। इसको इतनी अच्छे से मिक्स करिए ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। अब ये बॉल हमारे रेडी है, अब इसको हमने जो एग करके रखा उसके अंदर हम डीप कर करके और फिर फ्राई के लिए डालते जाएंगे। नरगिसी कोफ्ते में जो मेन बात होती है वो यही होती है कि इसके अंदर आप अंडे का यूज जरूर करिए। फिर हम एक एक करके डालते जाएंगे इसमें डीप करते करते। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया, और जो हमारा फटा हुआ है बचा हुआ है इसको हम थोड़ा सा ऊपर से हल्के से डाल देते। इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, गैस को मीडियम करा हमने, अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फ्राई करने के लिए। जब ये नीचे से हो जाएगा तब इसको हल्के हाथों से टर्न करते हुए फिर पूरे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम ऑयल में अपने प्याज, थोड़ी सी प्याज कटिंग करेंगे और उसको डीप फ्राई करके प्याज को पकाएंगे। प्याज मेरी हल्की सी ब्राउन हो गई है, इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। ये हम इसकी कोफ्ते की कड़ी तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का वो डालेंगे। एक मिनट तक गैस मीडियम फ्लो पे रहेगी आपकी। अब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये आपके ऊपर है, अगर आप स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। हल्दी हाफ टी स्पून, नमक अपने अकॉर्डिंग, कम ज्यादा कर सकते हैं,
ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट खराब जाता है, कम चलेगा। इसके अंदर और ये हींग भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर, अगर आपको पसंद है हींग तो डालिए, वैसे तो हींग डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है, वरना स्किप कर सकते हैं। इसमें हींग हाफ टी स्पून, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। हाँ, ये पिसी हुई धनिया पाउडर जो मैंने पहले से रोस्ट करके रखी थी, कच्ची धनिया थोड़ा सा खराब लगती है टेस्ट में, इसलिए हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले को 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब ये हमारा मसाला हल्का सा भुन गया है, पक गया है 2-4 मिनट। अब हम इसके अंदर कटे हुए टोमेटो डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके टोमेटो को हम पकाएंगे, और इसमें तब तक पकाएंगे जब तक दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो जाता। हमारा मसाला देखिए अच्छे से रेडी हो गया है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारा मसाला देखिए रेडी है। मसाला जब तक कि उसके अंदर ऑयल छोड़ नहीं देता तब तक आपसे मसाला रेडी नहीं होता। अभी देखिए हमारा ऑयल वो, अब इसके अंदर हम अपने ओट से धीरे धीरे करके डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको बनाइए, जरूर से जरूर बनाइए और उसको टेस्ट करिए, फिर हमें बताइए। अब इसको हम हल्के से अच्छे से मिक्स कर देंगे 1 मिनट तक, ताकि दोनों मिक्स हो जाए। इसके अंदर पानी डालेंगे जितनी करी में आपको चाहिए, पतली थिक चाहिए या गाढ़ी जैसी आपको चाहिए, पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। मुझे करी पतली पसंद है तो हमने इसमें पानी थोड़ा ज्यादा डाला है। इसको मिक्स करके अब हम इसको कम से कम 10 मिनट तक बनाएंगे, ढककर पकाएंगे ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से बन जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, ये देखिए। ये इसकी करी है, इसको हमने थोड़ा सा ठीक रखा है, देखिए। अब ये देखिए जितना ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उतना ही ये खाने में अच्छे लगेंगे। तो प्लीज दोस्तों आप अपने इस रेसिपी को आप ट्राई करिए, और हाँ मेन बात इसको एंड तक जरूर देखिएगा इस मेरे वीडियो को, तभी आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी, और फिर इसको ट्राई करने पर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।